जिनके पास सोलर इन्वर्टर नहीं है और सोलर लगाना चाहते हैं, यह एक छोटा सा सर्किट है, बहुत कम कीमत इसकी है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको आप लगाकर अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। सोलर पैनल और बैटरी के बीच में यह सर्किट लगाकर आप अपने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं और सोलर से बैटरी को होने वाले खतरों से भी बचाया जा सकता है। इस सर्किट के बारे में मैं आज पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। यह सर्किट आप कहां से लाएंगे, इसको खुद भी आप तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद आज आपको इस एक डिजिटल सोलर कंट्रोलर सर्किट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, यह आप जो दो सर्किट मेरे पास देख रहे हैं, यह तो डिजिटल डिस्प्ले है, इसका कोई खास वर्क नहीं होता। यह डिजिटल डिस्प्ले तो इस सर्किट से कनेक्ट होकर के केवल इतना कार्य करता है कि बैटरी के वोल्ट बताएगा और सोलर पैनल से कितने एम्पियर आ रहे हैं वह एम्पियर भी इस डिजिटल डिस्प्ले पर शो होते रहेंगे। वीडियो के अंत में मैं पैनल और बैटरी के साथ जोड़कर आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके बैटरी के वोल्ट और सोलर के एम्पियर को बताता रहेगा। यदि आप इसको ना भी लगाना चाहें, केवल इस मेन सर्किट को, यह मेन सर्किट है, यह सोलर का सर्किट है, इस सर्किट को आप 12 वोल्ट का भी बना सकते हैं, इसी सर्किट को 24 वोल्ट का बना सकते हैं, यहाँ तक कि इसी सर्किट को आप 48 वोल्ट का भी बनाकर अपनी चार बैटरी सोलर से स्मूथली चार्ज कर सकते हैं। इस सर्किट में कई सारी खूबियाँ हैं। एक तो इस सर्किट के साथ कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, अतः आपके सोलर से जो एम्पियर आते हैं या सोलर से जो वाट आते हैं उनमें कहीं पर कोई लॉस नहीं होता। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सोलर कंट्रोलर या सोलर सर्किट आते हैं और वह सोलर की पावर में बहुत लॉस करते हैं, इस सर्किट से 1% का भी लॉस नहीं है। दोस्तों, करंट लॉसेस की हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है। इस समय आप जो इन्वर्टर घरों में यूज करते हैं वह आपकी एनर्जी का 40-50% तक का लॉस करते हैं, जिसके ऊपर एक प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूं और उस पर वीडियो बना रहा हूं। बहुत जल्दी वह वीडियो आपके सामने आने वाली है। आज हम कर रहे हैं इस सोलर के कंट्रोलर के सर्किट के बारे में बात। यह बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। इसमें यह एक हीट सिंक लगी हुई है जिस पर 3 मोसफिट लगे हुए हैं। इस पर 4 मोसफिट भी लग सकते हैं क्योंकि इसमें चौथे मोसफिट का ऑप्शन भी दिया हुआ। दोस्तों, इसमें पावर मोसफिट भी लगाए जा सकते हैं। 12 वोल्ट से 48 वोल्ट तक तो हम इस सर्किट को यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इस सर्किट का प्रयोग 10 एम्पियर से लेकर 50 एम्पियर तक इसी सर्किट से हम अपना सोलर कंट्रोलर आसानी से बना सकते हैं। इस सर्किट की इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा है, 99.9% इस सर्किट की इफिशियंसी है। यह सर्किट माइक्रो कंट्रोलर से बना हुआ है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुश्किल से 10-12 रेजिस्टेंस लगी हुई है। मोसफिट आप अपनी मर्जी से 4 मोसफिट तक लगा सकते हैं। हीट सिंक आप बड़ी छोटी कैसी भी लगा सकते हैं। मेन चीज इसकी माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। यह बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, मुश्किल से 10-20 कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। यह एक हीट सिंक एल्युमिनियम की लगी हुई है जिस पर मोसफिट बंधे हुए होते हैं। इस सर्किट में आप 3-4 मोसफिट तक लगा सकते हैं और सर्किट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हाई कैपेसिटी के मोसफिट लगा सकते हैं। 50 एम्पियर का मोसफिट लगा लीजिए, और बड़ा कंट्रोलर बना है तो 100 एम्पियर का मोसफिट लगा लीजिए, 200 एम्पियर का मोसफिट लगा लीजिए। और दोस्तों, 2 प्रीसेट इसमें लगे हुए हैं। यह प्रीसेट है इस सर्किट के वोल्ट को मैच कराने के लिए, यह प्रीसेट लगा हुआ है सोलर पैनल के एम्पियर को सेट करने के लिए। सपोज करो सोलर पैनल से 10 एम्पियर आ रहे हैं, आप मीटर से चेक कर लीजिए कि सोलर पैनल से एम्पियर कितने आ रहे हैं, तो आप इस प्रीसेट से अपने डिस्प्ले पर, यह जो डिस्प्ले इसके साथ लगा हुआ है, इस पर सेट कर सकते हैं 10 एम्पियर। यदि आप अपने सर्किट को सस्ता बनाना चाहते हैं तो डिस्प्ले मत लगाइए, क्योंकि डिस्प्ले का 100-150 रुपये तक का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो 2 LED इसमें लगाकर उससे भी आपका सोलर कंट्रोलर बन जाएगा, और यदि आप डिस्प्ले लगा लेते हैं तो यह डिजिटल सोलर कंट्रोलर आपका बन जाएगा। दोस्तों, जो 4 वायर आप देख रहे हैं, यह बैटरी का माइनस है और यह बैटरी का प्लस है, यह सोलर का माइनस है और यह सोलर का प्लस है। इस तरीके से ये 4 वायर इसमें हैं जो आप अपनी कैबिनेट पर लगी हुई स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
एक इसमें 817 आईसी लगी हुई है, एक आईसी 358 लगी है, दो 3 रुपए की यह आईसी हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। यह एक रेजिस्टेंस है 220 ओम की और एक जीनर लगा है 12 वोल्ट का। यह दोनों वोल्ट को कंट्रोल करके इस आईसी को 12 वोल्ट देंगे और यह आईसी 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को देगी। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस यह लगी है, यह भी 220 या 330 ओम की लगा लीजिए, यह एक जीनर लगा लीजिए 5 वोल्ट का। तो यहाँ से कंट्रोल होकर आपके जो 5 वोल्ट आएंगे वो इस जैक तक आएंगे और यहाँ से आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई इस डिस्प्ले को जाती है। ये इसका सिंपल सा बहुत फंडा है। अगर आपको कंट्रोलर बड़ा बनाना है तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाइए, इन मोसफिट की वैल्यू बढ़ाइए और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है इस समय 220 ओम या 230 ओम की लगी हुई है और आपको यह सर्किट यदि 24 वोल्ट का बनाना है तो यहाँ पर आप 1.5 के का रेजिस्टेंस लगा लीजिए। और यदि आपको 48 वोल्ट का यह सर्किट बनाना है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 3.5 के या 3.7 के आसपास कर लीजिए। इस प्रकार यही सर्किट आपका 12 वोल्ट का सोलर कंट्रोलर बन जाएगा, 24 वोल्ट का सोलर कंट्रोलर या 48 वोल्ट तक का सोलर कंट्रोलर यह बन जाएगा। और यदि इसके आप एम्पियर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह मोसफिट बढ़ाने पड़ेंगे और मोसफिट ज़्यादा एम्पियर के लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, आपके पास जो पुराना इन्वर्टर है, जो सोलर इन्वर्टर नहीं है, इस सर्किट को आप उसी इन्वर्टर के अंदर लगाकर उसी इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। और यदि उस सोलर इन्वर्टर को आप डिजिटल सोलर इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो साथ में इसके डिस्प्ले भी कहीं पर लगा दीजिए। तो इस प्रकार आपका जो इन्वर्टर है वह सोलर डिजिटल इन्वर्टर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको अपनी किसी भी नजदीकी मार्केट से यह सर्किट आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर वाला सर्किट ना मिले, सिंपल सर्किट मिल जाएगा, उससे ही आप अपना काम चला सकते हैं। और यदि आप ऐसा ही सर्किट चाहिए तो आप इस सर्किट को खुद भी बना सकते हैं यदि आप टेक्निकल हैं। आपको यह पीसीबी चाहिएगी, यह पीसीबी आप किसी से डिजाइन करा लीजिए, पीसीबी बनाने वाले मिल जाते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए आपको मेन समस्या इस कंट्रोलर आईसी की रहेगी, क्योंकि यह आईसी मार्केट से नहीं मिलती, मार्केट से यह ब्लैंक आईसी मिलती है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर फीड करने के बाद ही यह वर्क में आती है। 676 नंबर की यह आईसी है, यह ब्लैंक आईसी होती है। दोस्तों, यदि आप टेक्निकल हैं, आपको यह सर्किट बनाना है या आप सोलर कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं, खुद ही इस सर्किट को बनाकर 350 रुपए में यह सर्किट आपका आसानी से तैयार हो जाता है, तो यदि व्यवसाय के तौर पर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हैं तो समस्या है सिर्फ कंट्रोलर आईसी की, बाकी सारे सामान बाजार में मिल जाते हैं। यदि आप इसका प्रोग्राम भी लेना चाहें तो आप प्रोग्राम भी हमसे इसका खरीद सकते हैं। केवल कंट्रोलर लेना चाहें तो कंट्रोलर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 12 वोल्ट का प्रोग्राम अलग होता है, 24 का, 48 वोल्ट का अलग अलग प्रोग्राम होता है। तीनों प्रोग्राम यदि आपको चाहिए तो मैं आपको तीनों प्रोग्राम भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको यह आईसी 150 रुपये में मिलेगी और बाकी 150-200 रुपये का यह सर्किट होता है। इस प्रकार आपका 300 या 400 रुपये में यह सर्किट पूर्णतः तैयार हो जाएगा। और यदि इसके साथ आप डिजिटल डिस्प्ले यह भी लगाना चाहें तो इसमें सब ये एनालॉग आईसी हैं। यह मार्केट में एक 7 सेगमेंट होता है, 7 सेगमेंट के साथ आप उसको डिजिटल बना सकते हैं। इसमें 3 7 सेगमेंट लगे हुए हैं, लगभग 4 रुपये के आसपास का एक सेगमेंट आ जाता है, 12 रुपये के इसमें यह 7 सेगमेंट लगे हुए हैं। और ये जो आईसी है लगभग 7-8 रुपये की आईसी आती है, 4073 नंबर इसका आईसी का है, 3 इसमें आईसी लगी हुई हैं। इस प्रकार 24-25 रुपए की आईसी और ये छोटी सी पीसीबी और इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसमें कोई माइक्रो कंट्रोलर आईसी किसी प्रकार की नहीं लगी हुई है। लगभग 100 रुपए की कीमत हम इसकी मानकर चलते हैं कि आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग करके 100 रुपए के आसपास आपको यह पड़ जाएगी। यदि आप व्यवसाय के तौर पर ले रहे हैं, आपको यह एक सर्किट प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ पीसीबी प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में आप अपनी पीसीबी का डिजाइन किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा लेना और कुछ कंपोनेंट इसमें हैं, आसानी से इसको बना करके आप एक अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और या अपने यूज के लिए भी इस सर्किट को आसानी से तैयार कराकर आप पुराने नॉन सोलर इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं और या अलग से सोलर कंट्रोलर भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके कनेक्शन में बता देता हूँ कि कैसे इसको बैटरी और सोलर से जोड़कर हम चला सकते हैं। दोस्तों, यह सर्किट मैंने इस बैटरी से कनेक्ट कर लिया है
और साथ ही साथ एक सोलर मेरे पास है, इस सोलर से इस सर्किट को भी कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों इस समय आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, ये बैटरी के इस समय वोल्ट बता रहा है, 13.5 वोल्ट बैटरी के बता रहा है। कुछ देर बाद बत्ती ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन के साथ बताएगा यह है एम्पियर। सर्किट का ये जो प्रीसेट है ये वोल्ट सेट करने के लिए प्रीसेट है। अब जैसे कि वोल्ट बता रहा है, मैं प्रीसेट को घुमाऊंगा तो इसमें वोल्ट घटने बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे, इधर को घुमाएंगे वोल्ट घटने लगेंगे। इस समय एम्पियर बता रहा है 1.2 एम्पियर को भी सेट कर सकते हैं आप इस वाले प्रीसेट से। एम्पियर इससे सेट होते हैं और वोल्ट इस प्रीसेट से सेट होते हैं। तो इस प्रकार डिस्प्ले पर आप एक बार आपको सर्किट मैच कराना पड़ेगा, उसके बाद आप डिस्प्ले लगाएं या हटा लें, सर्किट अपने आप प्रॉपर कार्य करने लगेगा। यह सर्किट 14.8 वोल्ट पर सोलर का चार्जिंग का कट ऑफ कर देता है और फिर 14.4 वोल्ट पर पुनः चार्जिंग को स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार यह सर्किट सोलर पर कार्य करता रहता है।